जब का मंच हो और पाकिस्तान से मुकाबला तो टीम इंडिया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बात तो सही है। बता दें एक बार फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में मेलबर्न में ये हुआ था और T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूयॉर्क में भी यही कमाल देखने को मिला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दरअसल न्यूयॉर्क के नेसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने सिर्फ 119 रन बनाकर भी जबरदस्त अंदाज में वापसी करते हुए पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की इस जीत के स्टार जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के साथ कुछ ऐसा किया जिस पर हार के बावजूद एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें शुक्रिया बोल दिया। थैंक्स, लव यू। बता दें रविवार 9 जून को न्यूयॉर्क में हुए इस महामुकाबले में पहले तो बारिश ने अपने दखल से देरी कराई और फिर जब एक्शन शुरू हुआ तो धुआंधार क्रिकेट के बजाय लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। हालांकि मुश्किल पिच पर टीम इंडिया ने ऋषभ पंत की दमदार पारी की मदद से किसी तरह 119 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्कोर भी पहाड़ जैसा साबित हुआ। मैच की बारीकियों की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पारी की शुरुआत अच्छी की थी, फिर दूसरे ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और रिजवान स्ट्राइक पर थे। ओवर की चौथी गेंद को रिजवान ने वापस सिराज की ओर खेला और क्रीज से बाहर निकले। सिराज ने वापस स्टंप्स की तरफ गेंद मारी, लेकिन ये रिजवान के हाथों में जोर से जा लगी और वो दर्द से घबराने लगे। सिराज ने तो हालांकि तब माफी मांगी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी फैंस इसके लिए सिराज को धन्यवाद बोलने लगे। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस ने ये वीडियो पोस्ट किया और सिराज को इसके लिए शाबाशी देते हुए थैंक यू बोला है। सवाल है कि पाकिस्तानी फैन अपने ही खिलाड़ी के साथ ऐसे हाल पर सिराज को क्यों धन्यवाद देने लगे। तो दोस्तों असल में ये पाकिस्तानी फैंस का रिजवान को लेकर गुस्सा था। जब बाबर आजम, फखर जमान जैसे बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, तब मोहम्मद रिजवान क्रीज पर जमे हुए थे। रिजवान ने एक तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था और टीम इंडिया की राह में रोड़ा बने हुए थे। हालांकि वो तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे थे और उन्हें बाउंड्रीज बटोरने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जब पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी तब 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर खराब शॉट खेलकर वो बोल्ड हो गए। रिजवान ने 15 ओवर तक टिक कर 44 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 31 रन ही बना सके। यहां से पाकिस्तानी पारी लड़खड़ा गई और इसकी वजह रिजवान की बेहद धीमी पारी भी रही। यही कारण रहा कि पाकिस्तानी फैंस रिजवान से खफा नजर आ रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी फैंस खुश इसलिए हैं कि जो काम वो खुद नहीं कर सके वो सिराज ने गलती से कर दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।